बटरफ्लाई करते करते हम कहानी एक और सुनेंगे। संत रैदास नाम सुना है? संत रैदास महाराष्ट्र के संत हुए, जाति से ऐसे चमार चमड़े का काम करने वाले, पर जाति का कोई बंधन नहीं होता, काम से उसका कोई संबंध नहीं। वो अपना चमड़े का काम कर रहे थे गंगा के तट के पास में ही कहीं, उधर से बहुत सारे लोग गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे। स्नान करने के लिए जाते वक्त एक बुढ़िया आई, उन्होंने कहा भगत जी आप क्यों नहीं स्नान करने के लिए जाए। उन्होंने कहा देखती नहीं, मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है, तो मुझे ग्राहकों का काम देना है, तो काम में लगा हुआ हूँ। वो दर्शन कर वो गंगा स्नान करने चली गई, ये अपना काम करते रहे। जब वो वापस आई तो आते हुए बड़ी मायूस थी। फिर संत रैदास के पास आई, उसने कहा क्या बात है? उसने कहा मैं गंगा स्नान करने क्यों गई थी, लेकिन क्या हुआ कि मैंने जैसे ही दोनों बांगड़े अंदर से गंगा जी को बताने के लिए डुबाई तो हाथ से छूट गई और गंगा में चली गई और मेरा बहुत भारी नुकसान हो गया, इसलिए मैं बहुत उदास हूँ। संत रैदास ने पास में कटौती पड़ी थी, अर्थात जिस एक पात्र जिसमें पानी भरा रहता है और चमड़ा उसमें भिगोया जाता है उसको कहते हैं कटौती। तो कटौती में पानी भरा हुआ था, संत रैदास ने हाथ डाला और दोनों बगड़ियाँ निकाली। यही तो नहीं है तुम्हारी मंडी? उसने कहा यही। एकदम चमत्कृत हो गई, उसने कहा कि ये क्या बात है, गंगा में मेरी वो बंगड़ी गंगा में डूबी थी और ये बंगड़ी यहाँ कैसे निकल गई? इसलिए कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये कहावत उस दिन से बन पड़ी, कटौती में गंगा हो सकती है, अगर आपका मन पवित्र है तो गंगा तक जाने की कोई जरूरत नहीं। यहीं पर उन्होंने गंगा से ही निकाल दी वो दोनों बंगड़ी, जबकि गंगा कितने दूर। तो कितना पवित्र व्यक्ति, कितना पवित्र संत रहा होगा, कितना सादा स्वभाव रहा होगा, सरल स्वभाव होगा, कितना समर्पण का भाव रहा होगा गंगा के प्रति उसका, कि उन्होंने जैसे ही हाथ डाला उसमें से बंगड़ी निकाल ली, गिरी तो गंगा में और निकाल ली। तब से कहावत बन पड़ी मन चंगा तो कटौती में गंगा। हम अपने मन को पवित्र करें, स्वस्थ करें, सरल रखें, कुटिलता नहीं हो मन में। और योग हमें यही सिखाता है, जो जो व्यक्ति योग की शरण में आता है वह निश्चित ही धीरे धीरे अपने स्वभाव में परिवर्तन को पाता है। देखें कितना ही गुस्सा क्यों ना आता हो, जब योग की शरण में आता है तो धीरे धीरे क्रोध का शमन होना प्रारंभ हो जाता है और उसको खुद को लगता है कि मेरा मन कितना शांत हो गया, अब मुझे क्रोध नहीं आता। और कभी किसी पर आ भी जाए तो वह विचार करता है कि मुझे क्रोध क्यों आया, पश्चाताप भी होता है क्रोध मुझे नहीं आना चाहिए, ये क्रोध क्यों आया।